वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू गाइज द टॉप 10 investigations ऑफ चॉइस विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज इन एनी रेडियोलॉजी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 10 investigations ऑफ चॉइस, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी किसी भी रेडियोलॉजी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मल्टीपल बोन मेटास्टेसिस, मल्टीपल बोन मेटास्टेसिस के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम करते हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज द बोन स्कैन, दैट इज बोन स्कैन। सेकेंड इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, तो दैट इज डेक्सा, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, तो ये याद रखना। नाउ नंबर थर्ड इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, इट इज इकोकार्डियोग्राफी, तो इसका जो आंसर है दैट इज द इकोकार्डियोग्राफी। नाउ फोर्थ इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, इट इज सीटी एंजियोग्राफी, तो ये भी याद रखना सीटी एंजियोग्राफी। Now number fifth is the investigation of choice for pancoast tumor, pancoast tumor के लिए कौन सी investigation of choice होती है, तो its right answer is MRI, magnetic resonance imaging। Now number sixth is the investigation of choice for posterior cranial fossa evaluation, posterior cranial fossa evaluation के लिए कौन सी investigation of choice होती है, its right answer is MRI, magnetic resonance imaging। Now number seventh and the most important is the investigation of choice for acute hemorrhage is, these are two different scenarios, acute hemorrhage and chronic hemorrhage। अगर acute hemorrhage में आपको investigation of choice बतानी होगी तो it is the NCCT, non-contrast computed tomography, और अगर chronic hemorrhage के लिए investigation of choice बतानी होगी आपको तो it is MRI, magnetic resonance imaging, ठीक है। हाँ, now number 8th is the investigation of choice for SAH diagnosis, यानी सब एरेक्नॉइड हेमरेज डायग्नोसिस के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, तो इट इज एनसीसीटी। लेकिन अगर SAH etiology के लिए investigation of choice बतानी होगी then it will be four vessel MR angiography, it will be four vessel MR angiography, तो ये याद रखना। अगर SAH diagnosis के लिए आपको बताना होगा then it will be NCCT, and if you have to point out for SAH etiology then it is four vessel MR angiography। Now the ninth is the investigation of choice फॉर रिनल ट्यूबरकुलोसिस, रिनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, लेकिन अगर रिनल ट्यूबरकुलोसिस अर्ली होगा देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, एंड इफ दिस रिनल ट्यूबरकुलोसिस इज लेट देन इट इज CECT, कंट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। Now the number 10th and the last investigation of choice for obstructive jaundice or gallstones, तो investigation of choice आपको बताना है obstructive jaundice या gallstones के लिए, तो it is none other than ultrasonography, so it is ultrasonography। Guys ये थे आज के top 10 investigations of choice जो कि आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए, and these will be very beneficial for you guys in any radiology recruitment examination। Thank you।